ए हाय, वेलकम बैक टू जेडी एंटरटेनमेंट। आई एम इन बरोड़ा, मैं बरोड़ा में हूँ और के गोट्स पर। हमारे साथ है कैफ काजी और इनके डैड जो है वो यूएसए से शौक करते हैं और कैफ की मॉम है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सो मिसेस काजी इज़ विद अस। मिसेस काजी को भी बहुत शौक है। आपको कैसे शौक लगा मैम बकरों का? जी, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है ये बकरों का, बहुत यानी बहुत क्रेज, बहुत शौक। पहले से हम पालते हैं ऐसे बकरों का, तो उनके साथ रहते रहते मुझे भी इतना लगाव हो गया है बकरों से। शादी से पहले शौक? नहीं, शादी से पहले इतना नहीं था। तो घर पे पालते थे? हाँ। आपके मम्मी डैडी? नहीं, मेरे मम्मी के वहाँ नहीं करते। अच्छा। थे यहाँ आके फिर मेरे हस्बैंड को इतना शौक था, तो उनके साथ रह रहे के ने मुझे भी बहुत लगाव हो गया। शौक लगा बचपन से? मेरे हस्बैंड को बचपन से शौक है, बचपन से शौक है। बहुत छोटे थे जब से ये लाते थे। और बच्चों को कैसे लगा? बस बच्चों को भी ऐसे ही पापा को देख के हाँ, बहुत शौक लग गया है इनको। नहीं, मेरे बच्चों को भी बहुत शौक है। तो ये जब कैफ पैदा हुए उनसे पहले ही आप बकरे पालते हो कि अभी अभी? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही पालते थे। जब लेकिन कैफ ने बोला कि एक साल से ही ये जगह सेटअप बनाए हुए। हाँ, अभी यहाँ तो क्योंकि हम दूसरे मकान पे रहते थे, छोटा सा मकान था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम ज्यादा रख नहीं सकते थे। छोटे से मकान पे जैसे 40 जैसा घर था, तो फिर अभी हमने यहाँ पे लिया। फिर मेरे यूएस जाने से पहले भी हमारे पास थे बकरे, तो जब भी हम पालते थे कुर्बानी भी करते थे। जी जी। लेकिन उनके जाए बाद अभी एक डेढ़ साल से हमने समझो यहाँ पे सब सेटअप करा है। अच्छा, ये बताइए, लोग परेशानी तो बहुत होती है बकरे पालने में, परेशानी लेकिन तो होती क्या है? फायदे है बकरे पालने, क्यों बताएं? देखो, बकरे पालने का पहला फायदा है कि अल्लाह हमें रोजी बहुत देता है। ये मुझे कैफ ने भी कहा। हाँ, कि हमारे घर पे माना जाता है कि बकरा है तो रोजी है। रोजी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कभी बकरा नहीं था और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई? हाँ, मेरे साथ ऐसा बीच में 2 साल ऐसा हुआ था कि हमको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब भी मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं बोलता था नहीं, बकरे नहीं है अपने घर में, तो तकलीफ बढ़ गई है। फिर हमने चालू करा, माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा है अभी। मेरे हस्बैंड भी इसलिए बकरी का नाम बरकत भी है। हाँ, बरकत है। और सब ये रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बकरियां थी नौ, उनके नाम पे से हमने रखा है, जमजम, बरकत। तो हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे है बकरी पालने के। एक तो बरकत है, बरकत तो है, रोजी भी है, और क्या शौक भी है मुझे भी है। और बच्चों से कैसा पूरा दिन हरा भरा रहता है मेरा घर, जैसे मेरे अपने बच्चे है। क्योंकि ये जो जमजम है ना, वो हमारे हाथों से पैदा हुई, और वो अजवा जो पहले आपने दिखाई वो भी, तो सब वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। वो मोमेंट भी मुझे बहुत यानी लाइफ में कभी मैं भूल नहीं सकती। मिसेस काजी, आप कुछ बता रहे थे आपकी एक बकरी जो है जी। आपके जो केयरटेकर आते हैं या हाँ, जो खाना देने आते हैं हाँ, घर में घुसे नहीं बल्कि दूर है, लेकिन बकरियों को पता चल जाता है कि आने वाले हैं। हाँ, वो बात है। टाइमिंग से पता चल जाता है कि उनकी पता नहीं उनको नहीं, बस है इनको स्मेल है, पता नहीं उनको कुछ ऐसे बस हो जाता है। वो मेरे भाईज है, वो आते जो दूर से 10-15 मिनट की दूरी पे होंगे, वहां से वो अजवा बुमा पारेगी, तो मैं समझ जाऊंगी बस अब भाई की आने की तैयारी है। मैं थोड़ा हमारी हिंदी ऑडियंस को बता दूं, बुमा पाड़ेंगी यानी थोड़ा चिल्लाने लग जाती, थोड़ी चिल्लाने लग जाती हो, पाड़े यानी निकालती आवाज। अच्छा, आवाज निकालती, ऐसे आवाज निकालेगी कि हम समझ जाते कि अब वो भाई आ गए रस्ते में ही। ऐसा इनफैक्ट बिल्लियों में भी है। मेरे चाचा के पास एक बिल्ली थी, हमारे बॉम्बे में जब बारिश हुई थी जी, बहुत तेज बारिश हुई थी, ग्राउंड फ्लोर पे मेरे चाचा का घर है जी जी, तो पूरा पानी भर गया था। लेकिन बिल्लियों को पता नहीं कि जंगली बिल्ली पालते थे, लेकिन घर में ही रहती थी, और वो बारिश होने के सुबह में ही बिल्लियों को पता चल गया कि घर में बाढ़ आने वाली है, निकल गई वो, और उसके बाद हाँ, लौट के आई नहीं। तो अल्लाह बिल्ली कहते हैं कि वफादार नहीं होती है बिल्कुल। बिल्लिया हाँ, बिल्लिया जो है बिल्लिया वफादार नहीं होती है। कुत्ते वफादार होते हैं, बकरे वफादार होते हैं, बिल्लिया बिल्कुल बिल्लिया वफादार नहीं होती। ठीक है, तो वो अपना रास्ता कर ही लेती है, रास्ता करके निकल लेती है जी जी। आपने एक और इंसिडेंट बताया था, किसी का इंतकाल हुआ था आपके हाँ, उसके बारे में आप शेयर। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुराल जो है, वो इंतकाल नहीं हुआ था, उनको हार्ट अटैक आया था। अच्छा, माइनर अटैक आया था,
तो उस टाइम अब बस वो फिश टैंक था, तो अपने आप ही वो फिश मर गई, दो तीन तीन अच्छा, हार्ट अटैक आया उससे पहले, उसके दस पंद्रह मिनट पहले चेंज किया था, नहीं सब नॉर्मल, सब पानी भी सब सही था, पूरा टैंक पूरा सही था। लेकिन जब इनको अटैक आया ने, तो हमने तुरंत ही बोला कि देखो ये कुछ होने वाला था ना, जब ये जो हमारी मछलियाँ हैं वो एकदम से ऐसी हो गई। लोग ये कहते हैं कि भाई जानवर जो है अपनी बला ले लेता है। हाँ हाँ। और जब मेरे ससुरा का इंतकाल हुआ, उसके दो दिन पहले से हमारे बकरों ने, जब हमारे पास बकरे थे ऑलरेडी चार बकरे थे, तो उन्होंने दो दिन से खाने का बंद कर दिया था। अब्बा हमारे जो थे वो हॉस्पिटल थे, लेकिन हमको ऐसी खबर नहीं थी कि अब इंतकाल हो ही जाए, क्योंकि अच्छे हंसते बोलते यानी बातचीत सब कर दे रहे। लेकिन जब बकरों ने खाना बंद करा तो हमारे को थोड़ी ऐसी तकलीफ हुई कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और शाम को ही अब्बा की हमारी तबीयत और बिगड़ गई थी, तो फिर गुजरे बाद भी दो दिन तक खाना नहीं खाया था और ऐसा लगता था कि वो रो रहे है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने बकरों को बहुत ज्यादा इनके अंदर इमोशनली हो जाए, इमोशनली अभी आप अटैच भी हो गए हो, और आपके हस्बैंड जो है, आपके बच्चे जो है, सारों में शौक है और फार्म भी खोलना चाहेंगे। जी जी, तो आप एनकरेज करते हो, बहुत से लोग है, सबसे ज्यादा जो होती है ना मम्मियां है ना, वो जानवरों के बड़ी खिलाफ होती है। हमारे बम्बई में घर पे मछली का टैंक लेके आओ या बिल्ली पालो या कुत्ता पालो, मम्मी को बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर एक की मम्मी को। आप ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, मुझे भी शौक है क्योंकि मेरे बच्चों को शौक है, मेरे हस्बैंड को शौक है, तो माँ को शौक होगा तो बच्चों को रोकेगी। लेकिन मुझे भी बहुत ही शौक है क्योंकि, लेकिन क्या सारी माए जो होती है ना सफाई मंत्री होती है, वो इसीलिए बोलती है ये शौक मत करो। हाँ, गंदगी बहुत, सफाई तो हम भी करा करते, फिर वो क्या बकरों को, बकरियों को लेके थोड़ा चला भी ले दे, लेट गो करना पड़ता है थोड़ा, अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी जब कुर्बानी आप बकरे घर पे पालकी ही करते हो ना, बाहर से लाते नहीं हम घर के, यही तो सच्ची कुर्बानी, यही सच्ची कुर्बानी है। और जो हमारी आंखों से जो आंसू जाते है वो बयान नहीं कर सकती मैं, हमारे बच्चे भी इतने ही रोते है। अच्छा, बकरियों के दूध जो है ना वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। हाँ। इनफैक्ट 400-500 रुपए में तो प्रति लीटर बिकते हैं वहाँ पे, शायद उससे भी ज्यादा। तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे, एक कम्युनिटी जो होती है वो बच्चों को बकरियों का दूध ज्यादा देती है, क्योंकि उससे दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, आई डोंट नो साइंटिफिकली कितना प्रूवन है। हाँ हाँ। तो आपको कुछ फायदा हुआ है बकरियों के दूध से, कोई इस्तेमाल करते हो घर पे? मैं तो इस्तेमाल तो नहीं करती, मैं बच्चों को ही पिलाती हूँ, जो इनके बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर उनको पिलाती हूँ, क्योंकि माँ का दूध बेस्ट होता है ना, तो हमारी बकरियाँ ही पी जाती है। बच्चे तक पीती है, फॉर इंस्टेंस तीन साढ़े तीन महीने तक, तीन कितने महीने की है ये? तीन महीने की है ये, अभी भी माँ के दूध पे है, पीती है। कम कर दिया है लेकिन पी रही है वो। अच्छा, नामकरण कौन करता है बकरियों के? मेरे वैसे तो मेरे हस्बैंड वहीं से भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर हम यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं बस। अच्छा, अप्रूवल आप ही करते हो ना, फाइनल डिसीजन आप ही लेते हो, क्योंकि पालना तो। और ये जमजम का तो मैंने ही रखा था, जमजम का आप ही ने रखा। जमजम को रखोगे आप ना, ये सारे बकरों को रखोगे आप बेचना? नहीं, ये बकरी है, बकरियों को रखोगे? हाँ, मैं बकरियों को तो मैं नहीं, बकरियों को तो नहीं बेचता। बकरी, ये अलग ही मजा है ना इनका पाल कर, जब बच्चा निकलता है दिल को खुशी इतनी होती है वो बहुत। तो इनकी डिलीवरी के वक्त आप अभी एक्सपर्ट हो गई होगी है ना? हाँ, मैं और कैफ दोनों और एक आते हैं हमारे वहाँ पे, नहीं एक लेडी आती है वो भी करने लगते। कुछ टिप्स दोगे जो बकरी जब यू नो गाबन होती है, बच्चा देने वाली होती है, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए लोगों को? उसको ज्यादा यानी बकरियों को गाभिन होती है ना, तो क्या करने का, थोड़ा इनको शांति से बैठना अच्छा लगता है, और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लगती, डिस्टर्ब नहीं करना, इनको डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। खान पान में क्या देते हो आप? जो देते वो फिर मैं वो ड्राई फ्रूट्स ज्यादा देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हो? मैं इनको ड्राई फ्रूट्स खिलाती हूँ, बादाम काजू अखरोट। बड़ा महंगा शौक है आपका तो फिर, है ना? और बच्चा हो जाने के बाद 10 दिन तक भी हमें यही खिलाती हूँ ज्यादा, तो एनर्जी चाहिए। हाँ, एनर्जी, और वो दूसरा सब नहीं खाती, वो रात में ऐसा नहीं पीती, किसी चीज में मिला के खिलाती नहीं, वो ऐसे ही खा जाती है मेरी बकरियाँ, ऐसे ही खा जाती है, उनको मालूम होता है कि अब मुझे ये देगी। बड़ी लकी बकरी है ना,
ड्राई फ्रूट 10 दिन तक मैं ड्राई फ्रूट देती हूँ 2 टाइम इनको, सुबह में और शाम में, बच्चा होने के बाद, बच्चा होने के बाद, हाँ डिलीवरी के बाद। और चोखे घी में, चोखे घी में थोड़ा सा, चोखे घी यानी प्योर, अच्छा प्योर, प्योर घी, प्योर घी में वो आटा सेक के राब बनाते वो पिलाती हूँ 3 दिन, ओके तो वो पी जाती है, तो ये इनको जरूरी है। हाँ इनको जरूरी है। ओके जनरली अभी जितने बच्चे बकरियां ने बच्चे दिए एक एक ही दिए ना? हाँ हाँ एक ही। अभी मैं कहीं तो सुना था कोई कोई बकरियां 4 भी बच्चे दिए, कोई कोई 3 भी देती है, आपके पास हुआ है कोई बकरी ने 3 बच्चे दिए? नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। दो दिए किसी ने कि नहीं? नहीं दिए अभी, एक ही, एक ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी थी, हेल्दी बहुत, जो अजवा है वो भी बहुत हेल्दी थी और ये भी बहुत हेल्दी थी। ठीक है, तो ये है मिसेस काजी का शौक, कंटिन्यू करिए, आपके बच्चों में भी आया है। लवली टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।